हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, मेरा नाम है सोनी और आज का गेम है नमो बेंगलुरु। गाइज, ये गेम है डाइस ट्रॉल ऐप का, जो हमें प्रोवाइड किया है डाइस ट्रॉल लैब ने। गाइज, इसका नाम है नमो बेंगलुरु। नमो का मतलब होता है हमारा, मीन्स हमारा बेंगलुरु। और जिस तरह से बेंगलुरु सिटी जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है, उसी के बेसिस पे इस गेम को डिजाइन किया गया है। इसके ग्राफिक भी बहुत ही अच्छे एंड प्यारे है। गाइज, मेरे चैनल पे ये फर्स्ट टाइम हिंदी में वीडियो बन रहा है मेरे चैनल पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूरे यूट्यूब पे शायद फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ये गेम हिंदी में हाउ टू प्ले बनने वाला है। ये फर्स्ट मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। गाइज, जिस तरह से आपने मेरा वीडियो जो है वो देखा होगा, 15 अगस्त में स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने इंडियन बेस्ड बोर्ड गेम के बारे में, तो उसी को सीरीज को लेकर हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो जो भी गेम्स अभी अपकमिंग मेरे आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे इंडियन बेस्ड बोर्ड गेम्स आने वाले हैं। और ये फर्स्ट मैंने शुरुआत किए नमो बेंगलुरु से, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा गेम लगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। एक्चुअली कंपोनेंट मैंने इसका हाउ अनबॉक्सिंग वीडियो में बना चुकी है, अगर आपने मेरा वो भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। आज हम देखेंगे इसके रूल्स, हाउ टू प्ले एंड इसको गेम को खेलते किस तरीके से है, और बेसिकली कंपोनेंट्स की डिटेल में नेम वगैरह क्या है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा बेंगलुरु, मीन्स नमो बेंगलुरु। गाइस, चलिए फटाफट इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, उसकी नेम क्या है, ताकि गेम खेलते वक्त जब मैं हाउ टू प्ले आपको बताऊंगी तो आपको इजी रहेगा कि कौन सी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला जो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी यहाँ पर रेक्टेंगल टाइल्स दिख रही है, ये है सेंटर टाइल, जिसके रखने के बाद में गेम स्टार्ट होता है। ये मेन सेंटर टाइल होगी। इसके बाद में यहाँ पे आता है छोटे छोटे यहाँ पे टाइल्स है, 5 कलर के 5 डिफरेंट टाइप के, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे आता है ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये है पार्क टाइल या पार्क ब्लॉक टाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे प्यारा सा ब्लू कलर में, आप देख सकते हो, जिसे कहते हैं बिजनेस टाइल। उसके बाद में ये है ग्रे या ब्लैक कलर, आप इसको बोल सकते हो, जो है फैक्ट्री टाइल। उसके बाद में ये है मरून रेसिडेंशियल टाइल, एंड लास्ट है ऑरेंज कलर का मार्केट टाइल। ये 5 अलग अलग टाइप के यहाँ पे सिटी ब्लॉक्स रहेंगे। गाइज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइल्स में आपको साइड में ना दो साइड में रोड दिख रहा है, तो हर एक टाइल्स में ना अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपको डिफरेंट साइड में रोड मिलेंगे। इसमें दो साइड में रोड है, इसमें सिर्फ ओनली सिंगल साइड है, इसमें आपको 3 साइड में मिलेगा, इसमें भी 2 साइड है मगर आमने सामने पैरेलल में मिलेगा, और इसमें छोटा सा कॉर्नर पे सिर्फ रोड है, और इसमें पूरा ब्लैंक है, इसमें कोई रोड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको डिफरेंट काइंड के रोड्स मिलेंगे। गाइज, नेक्स्ट है ये नेबरहुड कार्ड। नेबरहुड का कार्ड क्या होता है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये पैटर्न फॉलो करना होता है आप जब टाइल्स रखते हो, जिसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऊपर ग्रे है, ऑरेंज है, फिर मरून है, या फिर इस तरीके से भी उसको घुमा सकते हो। यहाँ पर मरून है, ऑरेंज है और ग्रे, या उसको आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इस जो शेप है, जो कलर है, उसको मैच कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखें कि आपको इसमें ऑरेंज मिडल में, तो मिडल में होना चाहिए। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, इस तरह के बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें एक एडिशन आता है +5, जो मैं स्कोरिंग के वक्त में आपको डिटेल में समझाऊंगी +5 के बारे में। और कुछ यहाँ पे होते हैं जो क्रॉस पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, वो होते हैं 20 मार्क्स के। गाइस, सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है मुझे इस गेम की, ये ना 20 नेबरहुड कार्ड है। आप ना हर एक कार्ड को आप ध्यान से देखिए, हर एक कार्ड में ना आपको डिफरेंट कलर नजर आएंगे, कोई भी कार्ड किसी और कार्ड से मैच नहीं हुआ है। तो ये गेम की ना बहुत अच्छी खास बात है कि कोई भी डबल कार्ड नहीं है, सब 20 कार्ड्स ना सभी डिफरेंट काइंड के कार्ड्स है, ताकि कोई भी दो प्लेयर का यहाँ पे जो पैटर्न है वो मैच नहीं होना चाहिए, उस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा गया है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हो मेरा हाथों में कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे बादल आ चुके हैं। आप बोल सकते हो कि ये जो क्लाउड है मेरे हाथों में आ चुका, तो इतने प्यारे प्यारे इसमें कलर्स है, नंबर्स दिए हुए। तो ये है स्कोरिंग मार्कर, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किसी गेम में देखा कि इतने प्यारे और डिफरेंट काइंड के यहाँ पे स्कोरिंग मार्कर दिए हुए, तो मुझे काफी अच्छे लगे, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और फाइनली लास्ट यहाँ पे गेम को, और आप बोल सकते इसकी प्राइस को जस्टिफाई बहुत अच्छी तरह से की गया है। यहाँ पे जो मेन फेमस जो वहाँ का प्लेस है बेंगलुरु का विधानसौधा, उसका यहाँ पे छोटा सा एक ना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेमो दिया हुआ है, मैं आपको ना इसको ज्वाइन करके बताती हूँ कि किस तरीके से लगेगा ये,
बनने के बाद ना काफी प्यारा लगता है ये। आप इसको गेम के दौरान जो सेंटर टाइल है उसमें रख के इस तरीके से खेल भी सकते हो। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से छोटा सा प्यारा सा ना विधानसभा का यहाँ पे ना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेमो दिया हुआ है। आप इसको स्टार्ट टाइल जो आपका सेंटर टाइल है उसमें रख के ना इस तरह से आप गेम को स्टार्ट कर सकते हो और अपनी खुद की जो एक सिटी है एक जो अच्छी तरह से बना सकते हो आप अलग अलग टाइल्स लगा के। तो गेम का जो कंपोनेंट है डिजाइन है ऑसम वाओ, मेरी तरफ से एकदम आप थम्स अप बोल सकते हो उसको। गाइस आप देख सकते हो इतने छोटा सा जो बॉक्स है वो इतने से छोटे से बॉक्स में कितने सारे आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, कितने सारे टाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके पीछे छुपा है ये बादल और ये आपको स्कोरिंग मार्कर मिल जाते हैं और ये इतने सारे आपको यहाँ पे नेबरहुड कार्ड मिल जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला ये गेम है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पे टाइल्स किस तरीके से रखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर का टाइल्स नजर आ रहा है, तो अगर सेम कलर का टाइल है तो उसको आप कोई भी एंगल में रख सकते हो, अगर रोड मैच नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों सेम कलर है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, यहाँ पर सपोज यहाँ पे ये ग्रीन है और यहाँ पे ये ग्रे है, इस टाइल्स को मैं इधर नहीं रख सकती, कोई भी पोजीशन हो मैं इसको इस तरीके से नहीं रख सकती, बिकॉज यहाँ पे जो रोड है दोनों में रोड मैच नहीं हो रहा, इसमें रोड ही नहीं है और इसमें सिंगल सिर्फ रोड है, मुझे एटलीस्ट वन साइड रोड मैच करना है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग और ये है राइट। और दूसरा एग्जाम्पल है सपोज ये मार्केट टाइल है, तो आप देख सकते हो इसका तीनों साइड में रोड है, तो मैं इसको किसी भी एंगल से मैच करके रख सकती हूँ, ये रोड मैच हो गया, ये ऐसा भी चलेगा, राइट है ऐसा भी राइट है, इवन इसको ऐसा भी रख सकती हूँ, ये भी राइट है। तो गाइस यहाँ पे ये ब्लू कलर का टाइल है, इसको मैं अगर यहाँ पे रखती हूँ तो देखना, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट वन साइड मैच होना चाहिए, तो जो ब्लू का जो वन साइड है वो जो ऑरेंज का जो मार्केट टाइल है उसके रोड ये मैच हो रहा है, आप देख सकते हो ये रोड से मैच हो रहा है, तो वन साइड मैच हो गया, अदर साइड मैच नहीं हुआ तो डजंट मैटर, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं मीन्स आपका सिर्फ वन साइड अगर मैच होता है तो आप उस तरह से टाइल्स रख सकते हो, ठीक है। अनदर एग्जांपल आपको फिर से बताना चाहूंगी कि इस टाइल्स को मैं इस तरीके से नहीं रख सकती, बिकॉज क्यों, क्योंकि दोनों साइड में ही रोड नहीं है, तो इसको मैं ऐसा नहीं रख सकती हूँ, तो इस टाइल्स को मैं सिर्फ ये तो यहाँ पे रख सकती हूँ रोड मैच करके, या फिर ये साइड रख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये साइड में मैच हो रहा है। गाइज और एक एग्जाम्पल है, ये टाइल को मैं यहाँ पर नहीं रख सकती, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोड मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये सेम ब्लू कलर और ये भी ब्लू कलर का टाइल है जो दोनों बिजनेस टाइल है, तो उसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, भले से यहाँ पे दोनों का रोड नहीं है तो भी रख सकती हूँ। तो गाइस आपको सिर्फ दो ही बातों का इसमें ध्यान रखना है टाइल प्लेसमेंट के वक्त में, अगर सेम सिटी ब्लॉक है तो अगर यहाँ पे रोड मैच नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर अलग सिटी है यहाँ पे डिफरेंट है तो आपको रोड मैच करना कंपलसरी हो जाता है। तो बस आपको ये दो चीजें पूरी गेम में आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि आपको टाइल किस तरह से प्लेस करनी है। तो गाइस गेम स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले जो आप स्कोरिंग मार्कर उसको डाल दीजिए साइड में, इसका अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो गेम के एंड में पड़ेगा जरूरत, और जो सेंटर टाइल है उसको आप सेंटर में रख दीजिए ताकि इसके आजू बाजू बहुत सारे ब्लॉक्स अभी आने वाले थे इसलिए इसको सेंटर में रख दीजिए। और यहाँ पे जो आपका नेबरहुड कार्ड है उसमें से भी जितने भी जो 10 नंबर्स है ना पॉइंट्स वाले कार्ड उसको आप सेपरेट कर लीजिए और अच्छी तरह से ना शफल कीजिए, शफल करने के बाद जितने भी प्लेयर खेल रहे हो यहाँ पे उनको हर एक को एक एक कार्ड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद में क्या करना है बाकी के जो बचे हुए नेबरहुड कार्ड उसके साथ में उसको मिक्स करना है और फिर वापस से अच्छी तरह से शफल करना है, ठीक है। गाइस गेम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अगर टू प्लेयर अगर खेल रहे हैं तो हर एक डेक में से जो डिफरेंट फाइव कलर की जो टाइल्स है उसमें से आपको हर एक कलर की जो दो दो टाइल्स है वो रिमूव करनी होगी, दो दो टाइल्स निकालनी होगी, ठीक है। ये हो गया टू प्लेयर के लिए, और अगर सिर्फ थ्री प्लेयर अगर यहाँ पे खेल रहे हैं तो हर एक डिफरेंट कलर में से आपको टाइल्स सिर्फ एक ही टाइल्स जो है वो रिमूव करनी होगी, फिर आप गेम स्टार्ट कर सकते हो। और रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है, सभी टाइल्स को मिक्स करना अच्छे से और फिर उसको शफल करना, फिर गेम स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर फोर प्लेयर खेल रहे हैं तो आपको पूरी टाइल यूज करनी है, और यहाँ पे दो आपको डेक बना देना है, ऐसी अंदाजे से बना देना है, कोई काउंट करके डेक नहीं बनाना है, अच्छी तरह से शफल कीजिए, दो डेक बना दीजिए, हर एक प्लेयर को दो दो टाइल्स मिल जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से।
तो ये हो गया इनिशियली गेम का सेटअप। अभी चलिए बताती हूँ कि आपको आपके टर्न में करना क्या होता है। गाइज, आपको जो भी यहाँ पे नेबरहुड कार्ड मिलता है ना, वो आपको कोई भी अदर प्लेयर को बताना नहीं है, इसको सीक्रेट रखना है, वरना वो आपको देख लेगा कि आपका पैटर्न क्या है। आपको आपके टर्न में करना क्या है, ऑप्शन नंबर वन, या तो आप यहाँ पे टाइल रखोगे। सपोज ये मैंने टाइल रखी हूँ और यहाँ पे मेरे पास में एक टाइल है, तो यहाँ से डेक में से एक उठाऊंगी टाइल, अब मेरा टर्न फिनिश। ये ऑप्शन नंबर वन। देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी रोड नहीं है, लेकिन ये वाइल्ड टाइल है, आप चारों तरफ इसके रोड बने हुए, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो। अभी आता है आपका ऑप्शन नंबर टू। अगर ये दोनों टाइल्स में से आपको लग रहा है कि दोनों भी यूजफुल नहीं है, दोनों सेम कलर और इसका फिलहाल आपको अभी जरूरत नहीं है, तो दोनों टाइल को आपको डिस्कार्ड करना है और दो नए टाइल लेने हैं आपको। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर टू। अभी ऑप्शन नंबर थ्री। तो यहाँ से मैंने एक नेबरहुड कार्ड उठाई और यहाँ पे मैंने रख ली हूँ, ये हो गया आपका टर्न फिनिश। ये है ऑप्शन नंबर थ्री। गाइज, ऑप्शन नंबर फोर, डेमोलिश एंड रीबिल्ड, मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि ये सपोज ये मेरा जो मिशन है, मिशन मीन्स ये मेरा जो नेबरहुड कार्ड है, आप देख सकते हैं इसमें ब्लू ग्रीन एंड मरून चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे ना मरून नहीं है, यहाँ पे ना ऑरेंज है उसके बदले। अगर काश यहाँ पे ना मरून होता तो मेरा ये जो एक पैटर्न है वो कम्प्लीट हो जाता था। तो यहाँ पे मेरे टर्न में क्या है, मेरे हाथ में मरून कार्ड है, तो मैं उस वक्त क्या करूंगी कि मैं बोलूंगी कि मैं डिमोलिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो टाइल है, ऑरेंज टाइल है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये मरून टाइल। इस तरह से रोड मैच होना वो भी जरूरी है उस टाइम पे भी। तो यहाँ पे मेरा पैटर्न कम्प्लीट हो गया है, ब्लू ग्रीन एंड मरून। तो यहाँ पे ये मेरा पैटर्न तो कम्प्लीट हो गया है, लेकिन उसके बदले में मुझे करना क्या होगा, मुझे पे क्या करना होगा, मेरे हाथ के जो यहाँ पे जो दूसरे नेबरहुड कार्ड से कोई भी जिसका मुझे जरूरत नहीं है, या फिर आपको जरूरत है भी, तो आपको एक डिमोलिश आपको पेमेंट के तौर पर क्या करना होगा, एक आपका नेबरहुड कार्ड यहाँ पे चला जाएगा फिर से डेक में। उसके बाद यहाँ से आप एक टाइल उठाओगे, आपके हाथ में हमेशा दो टाइल होनी चाहिए, तो आपका टर्न फिनिश। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर फोर। गाइज, यहाँ पे गाइज डिमोलिश और रीबिल्ड के बारे में बताना चाहूंगी। एक बार जिस टाइल को मैंने यहाँ पे डिमोलिश कर चुकी हूँ, ये एक टाइल के ऊपर मैंने एक टाइल रख चुकी हूँ, तो कोई भी अदर प्लेयर इसके ऊपर बिल्डअप नहीं करता जाएगा। एक टाइल के ऊपर सिर्फ एक ही टाइल अलाउड है, उसके ऊपर और भी अभी इस मरून के ऊपर कोई भी और दूसरा प्लेयर टाइल नहीं रख सकता, ठीक है। गाइज, एक बहुत जरूरी बात तो आपको बताना भूल ही गई कि गेम एंड कैसे होगा। जब भी आपके जो ये सिटी ब्लॉक टाइल से फिनिश हो जाएंगे, तो तब भी वहाँ पे गेम एंड हो जाएगा और आपको स्कोरिंग करना है, ठीक है। तो गाइज, अब हम देखेंगे स्कोरिंग। मैंने यहाँ पे जो गेम के दौरान जो नेबरहुड कार्ड लिए हैं, ये पैटर्न, तो उसका मुझे स्कोर मिलने वाला है। जिस तरह से ये जो पैटर्न है वो इस तरह से वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या इस तरह से रिवर्स हो सकता है, मिरर आप बोल सकते हैं, या इस तरीके से किस कोई भी एंगल में ये चलेगा। तो हम ढूंढते हैं कि ये मैंने कहाँ पे बनाया है, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है मल्टीपल टाइम्स ना, वो आपको सर्च करना होता है। बीच में ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे मरून है। तो ये हो गया, ये डायरेक्शन में मैं ऐसा रखूंगी ताकि समझ में आए कि ये मेरा टेन वाले का पॉइंट हुआ है। तो मुझे सर्च करें कि मैंने और कहीं बनाया है कैसे, यस। तो मैं इसको ऐसा रखूंगी, क्लाउड को ब्लू ग्रीन एंड मरून, और नहीं तो ये हो गया मेरा इसका फिनिश। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसे मैंने बनाया है क्या, कहाँ पे बनाया है। ये है ग्रीन ऑरेंज एंड मरून, ग्रीन ऑरेंज एंड मरून। तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगी ताकि समझ में आए कि ये मेरा एल शेप है। तो ठीक है, मेरा ये सिर्फ वन टाइम बना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा गेम में ना ट्राई करना कि जो नेबरहुड कार्ड है ना वो कम से कम ले, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम बनाए। और ये है फिर फाइनली 20 पॉइंट का। थोड़ा सा ये टफ है क्योंकि इसमें आप देख सकते हो डायगनली पैटर्न है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना है अभी ऑरेंज ब्लू एंड ग्रीन, इस तरह से ये मेरा क्रॉस में बन चुका है, तो मैं इसको इस तरह से रखूंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वन पैटर्न। गाइज, यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है ऑरेंज, यहाँ पे है ब्लू और ग्रीन, लेकिन देख सकते हो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे जो मुझे बनाना है वो डायगनली बनाना है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। आपको जो 20 जो पॉइंट्स का जो यहाँ पे पैटर्न है वो डायगनली होना चाहिए। तो डायगनली ये होता है ग्रीन ब्लू एंड यहाँ पे ऑरेंज। तो ये सिर्फ मेरा वन टाइम बना है। गाइज, अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लस फाइव के बारे में, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसके स्कोरिंग में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मेरा जो यहाँ पे कार्ड है नेबरहुड कार्ड, इसका जो शेप है ये मुझे मिला था यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज एंड मरून। उसका जो एग्जिस्टेंट टाइल है
ये ग्रीन का जो एडजेसेंट एल है वो ग्रीन है और मेरे पास भी जो प्लस 5 का यहाँ पे जो कार्ड है वो ग्रीन का है, तो डेट भी मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स। तो मेरे टोटल स्कोर में मुझे 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो भी पैटर्न के साथ में ये प्लस 5 का जो स्कोर है जिसमें ग्रीन है यहाँ पे, अगर वो एडजेसेंट टाइल में आता है उसके बाजू के टाइल में अगर ग्रीन टाइल आता है तो आपको एवरी टाइम ये प्लस 5 बोनस होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोरिंग। गाइज अगर स्कोरिंग में दो प्लेयर का या किसी तीन प्लेयर का यहाँ पे अगर सेम स्कोर होता है, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन अगर फिर भी सेम स्कोर होता है तो फिर उसके बाद में उसके जो नेबरहुड कार्ड है ना वो काउंट करेंगे, ये जो कार्ड है वो काउंट करेंगे। तो जिसके सबसे कम कार्ड होंगे ना तो वो उस गेम का विनर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी वो सेम होता है तो फिर जो विनर है वो दोनों कहलाए जाएंगे। तो गाइज ये है नंबर बेंगलुरु। आई होप आपको गेम अच्छा लगा हो, आपको हाउ टू प्ले अच्छी तरह से समझ में आया हो। मैंने बहुत ही इजी वे में अच्छे से डिटेल में आपको समझाने का ट्राई किया। गाइज गेम काफी अच्छा है, खेलने पर काफी मजा आता है, आप अपनी फैमिली के साथ में, आपके किड्स के साथ में आप खेल सकते हो। अगर आप इसका देखना चाहते हो गेम प्ले तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप मुझे इसका गेम प्ले देखना चाहते, तो मैं आपके लिए जरूर नमो बेंगलुरु का गेम प्ले अलग से बनाऊंगी कि इसको खेलते किस तरह से, तो आपको और भी अच्छी तरीके से डिटेल में इस गेम के बारे में आपको समझ में आ जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपके कुछ डाउट्स नहीं होंगे। इनकेस अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे ना डायरेक्ट डीएम कर सकते हो और वहाँ पे मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो इस गेम के रिलेटेड। तो गाइज वीडियो अच्छा लगता था मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।